दोस्तों, क्या आपने कभी ये पता लगाने की कोशिश की है कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी स्कीम्स या फिर योजनाएं चल रही हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने का यह मतलब नहीं कि सिर्फ आप अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, बस ये कह देना कि बीजेपी सरकार ही अच्छी थी या फिर कांग्रेस सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। आपको ये पता रहना चाहिए कि आप जो टैक्स दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, उसकी फ़ंड कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सी नई स्कीम्स या फिर योजनाएँ आपकी गवर्नमेंट स्टेट के वेलफेयर के लिए ला रही है। आज मैं इस वीडियो में इसी में से एक छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, और ये भी बात करेंगे कि किस हद तक ये योजना सक्सेसफुल रही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने हरेली फेस्टिवल के दिन 20 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया। कैटल ओनर यानी पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंदर मेनली छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट काउ डंग यानी गोबर खरीदेंगी और फिर उस गोबर का इस्तेमाल करके वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाएंगी। सरकार 2 रुपये पर केजी की दर पर गाय का गोबर किसानों से खरीदेगी और ये सब काम गोठानों में किया जाएगा। गोठान का मतलब होता है काउ शेल्टर, जहां किसान गोबर बेचेंगे और यहीं वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाया जाएगा। अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में 2785 गोठानों का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ में ही ये योजना की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का यह मानना है कि ये स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और या रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगी। भूपेश बघेल जी ये मानते हैं कि ये स्कीम प्रमोट करेगी यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ क्रॉप्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी। अब देखते हैं कि ये योजना किस हद तक सक्सेसफुल हो पाई है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर रमन सिंह जी ने ये क्लेम किया है कि ऐसी स्कीम्स लेकर और झूठे गोबर खरीदी के आंकड़ों को दिखाकर कांग्रेस सरकार ने करप्शन के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। ये तो रही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट। अब जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो गोठान बनने हैं, लेकिन सरकार से गोठान बनने के लिए पैसे ही नहीं मिले हैं और कहीं कहीं लाखों की लागत से गोठान तो बनवाए गए हैं, लेकिन सही तरीक़ों से देखभाल नहीं हो पा रही है। वहाँ के मवेशी गोठान के बाहर या फिर गांव में घूमते रहते हैं। कई गोठानों में सारी चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी इस योजना से किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। गोठानों में लापरवाही और अव्यवस्था है, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कुछ ग्राम पंचायतों के गोठान बहुत अच्छे भी हैं, वहाँ के लोग उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपके शहर के आसपास कोई गोठान बनी है तो ज़रूर घूमने जाएं और आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा था कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।